जिला बिलासपुर की प्रभारी एवं शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान जिला बिलासपुर में सभी कार्य सही तरीके से चल रहे हैं। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक की देखरेख में व्यवस्थाएं व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं। क्वारंटाइन में रखे लोगों को भी सभी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन कुछ लोग बिना वास्तविक स्थिति को जाने घर बैठकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये समय सहयोग करने का है, क्योंकि पूरा देश इस समय विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। सरवीण चौधरी बिलासपुर में व्यवस्थाओं को जानने के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक व सीएमओ से व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे प्रशासन और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। बिलासपुर जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, उसमें आप सबको मैं पहले तो बधाई देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है कोरोना वायरस का कोई पेशेंट नहीं है फिलहाल। हाँ, हमने कुछ लोगों को एग्जामिन जरूर कर रहे हैं और कुछ लोगों के सैंपल चार लोगों के भरे थे, चारों नेगेटिव आए हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो पैसेंजर्स और बाकी लोग आए वो 146 थे, जिसमें 44 लोगों का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा 102 लोग जो है वो होम क्वारंटाइन करके रखे हुए हैं। और आप ये अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे जो हिमाचल के हमारे अपने बच्चे, तो किन्हीं कारणों से वो हिमाचल की ओर कैसे पैदल चल के या कोई ना कोई सोर्स लेके यहाँ पहुंचे, उसको मैं पिछली बारी आई थी, हमने पूरी तरह से देखा। कुछ लोग बोट के माध्यम से भी आए और जो बोट वाला उसके ऊपर FIR भी हुई है और उन बच्चों को प्रॉपर सुविधा दी गई है। और शाम के समय मैं खुद यहाँ पे थी, एकदम से उनको अरेंजमेंट DC साहब ने जो तैयारियां की हुई थी उनमें उनको रखा गया, एक जगह पे पहले लाए। उसके बाद आपके ध्यान में होगा कोठीपुरा जो नवोदय स्कूल है उसमें कुछ बच्चे रखे हैं। और सबसे सुखद बात, आप कुछ फोटोग्राफ सही है आपको दिखाएंगे, सुबह के टाइम पे योग गुरु वहां आके उनको सबको योगा करा रहे हैं, ताकि उनको जो है ये ना लगे कि हम बेकार बैठे हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं तरीके से उनको म्यूजिक सुनाया जा रहा है और उनके सुबह जो है योगा क्लास हो रही है और इसके माध्यम से उनको बिजी रखा जाता है। और इसी तरह से स्वार घाट पे इन्होंने एक होटल और दो रेस्ट हाउस जो है उसमें कुछ लोग रखे हैं और नैना देवी में जो मातृ आंचल है वहां पे भी लोग रखे हैं। सो ये बात ग्रेट अप्रिशिएशन की बात है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, और मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों को रखा है। नगर परिषद हाल में कुछ लोगों को लेके आ गए थे फर्स्ट, उसमें एक तो बिना बताए लोग आए एकदम से, उनका अरेंजमेंट कहाँ कहाँ भेजना है उसको भी जिस तरीके से कहा गया, मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा ग्रेस नहीं उसमें मुझे दिखी, क्योंकि क्योंकि एकदम से जो बिना बताए आएंगे कितने लोग आएंगे, उनको कहाँ कहाँ रखना है। और उसमें जो है मैं रात तक यहाँ थी, तो मैंने SP साहब से देवगांकर जी से बात की, इनके नाके बहुत प्रॉपर थे, इसीलिए जो वहां से बोर्ड से लोग आ रहे थे बच्चे एंटर कर रहे थे उनको समझाया गया और उनको जो है जो पीरियड क्वारंटाइज का रख होगा वो उनको पूरा करवाया जा रहा है।